नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं हमारी आज की विशेष और सबसे बड़ी खबर पर। हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जो कि है आरिफ नसीर खान, जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली जगह चांदी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिन्हें 85,436 EVM वोट्स मिले हैं, और वहीं अगर टोटल वोट्स की बात करें तो 85,470। और वहाँ के जो शिवसेना के विनिंग कैंडिडेट है दिलीप भावसाहब लांडे, जिन्होंने महज 85,879 वोट में जीत हासिल कर ली, मतलब लगभग 409 वोट से आरिफ नसीम खान हारे। वहीं सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद इमरान कुरैशी, जो कि MIM के कैंडिडेट थे, जिसने लगभग 1167 वोट पाए हैं, उसकी वजह से आरिफ नसीम खान को हार का सामना करना पड़ा। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों एकजुट हो जाओ एकजुट हो जाओ कहकर मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके कैंडिडेट ने एक मुसलमान कैंडिडेट को हरा दिया। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।